श्री राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का जो अद्भुत प्रयोग मैं लेकर के आया हूँ, यह धन प्राप्ति का प्रयोग। धन किसको नहीं चाहिए, सबको धन चाहिए, सबको धन चाहिए। कहते नहीं कि पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं, क्योंकि अर्थयोग चल रहा है। बिना पैसे के केवल एक ही काम हो सकता, वो है प्रभु की भक्ति। उसमें कोई पैसा नहीं चाहिए, भगवान का भजन के लिए 24 घंटे उसमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल प्रभु का एक भजन ही है जो बिना पैसे के हो सकता है। भजन के अलावा जीवन में बिना पैसे कुछ हो नहीं सकता। अगर आपके पैसे नहीं है ना आपके पास, तो लोग आपसे रिश्ता ही नहीं रखेंगे, समाज वाले आपकी तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि आज लोग उनसे ही जुड़ना चाहते हैं जो उगता हुआ सूर्य, जिनके पास पैसा है। पैसा नहीं होगा तो आपकी पत्नी आपको छोड़ के भाग जाती है। पैसा नहीं होगा तो बच्चे आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। पैसा नहीं होगा तो अपने भी भाग जाएंगे। वो सब जमाना गया जब पत्नियां कहती थी कोई बात नहीं जी, एक रोटी है, आधी आप खा लो आधी मैं खा लूं। आजकल की पत्नियां तो पत्नियां हो चाहे आजकल आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते देख लीजिए, सारे रिश्ते पैसों पर ही चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं, जितने भी रिश्ते हैं सब पैसों पर आधारित हो गए हैं। पैसा ही लेना, पैसा ही देना, सब कुछ पैसा। रिश्तों का तो कोई नाम नहीं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं मेरे पास कितने कॉल आते हैं, कितना आदमी परेशान है केवल पैसे के लिए। तो जब पैसा ही सब कुछ है तो फिर पैसा का उपाय बताना ही पड़ेगा, और मैं खूब पैसे का उपाय आप लोगों को बताता हूँ, और लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है। पर मैं कहना चाहूंगा कि पैसे से बड़ा जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है, रिश्तों को इम्पोर्टेंस हमेशा देनी चाहिए। पर बहुत से लोग हैं जो रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं पर पैसे, देखिए कहना पैसा है अच्छी बात है, पर पैसा ही सब कुछ मान लेना एक गलत बात है। रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। जब पैसा भी काम नहीं आता तब रिश्ते काम आते हैं। इसलिए आप लोग पैसों को महत्व देते हैं, पर इतना महत्व मत दीजिए कभी कि आप रिश्तों को भूल जाएं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं, पर रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपका साथ निभाएंगे। इस पर आज मैं जो आपको पैसों का उपाय बताने जा रहा हूँ, वो उपाय आप सुनिए, बहुत ही बढ़िया उपाय। देखिए, हर व्यक्ति की एक ऑरा होती है, एक अपना तेज होता है, एक अपनी पॉजिटिविटी होती है। अगर उस व्यक्ति के आपको कोई भी वस्तु मिल जाए तो बहुत उपयोगी होती है। जैसे हमारे आप हर व्यक्ति के कोई ना कोई गुरु होते हैं, हमारे भी गुरु हैं, तो वो उन गुरुओं का यदि आपको कुछ मिल जाए, जैसे सिख प्रसाद ही लेते हैं, उनका जूठा प्रसाद खाते हैं उससे बड़ा तेज मिलता है, उनकी कुछ वस्तु मिल जाए उससे बड़ा तेज मिलता है। ऐसे ही आपके घर के अगल बगल भी कोई भजनानंदी होंगे जो बहुत भजन करते होंगे, और कभी कभी आपके घर के जो मुखिया हैं, जो घर के बड़े हैं, उनकी भी एक अलग शक्ति होती है, अलग एनर्जी होती है यदि वो भजन करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भजन करता है ना, उसकी एक अलग शक्ति, एक अलग ऑरा होता है, उससे जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, उससे बहुत फायदा हमें होता है। तो ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति का आपको कपड़ा मिल जाए, कपड़ा जो आपको मिलना है वो कपड़ा कमर से ऊपर का होना चाहिए, कमर के नीचे का वस्त्र नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपके गुरु हो उनका मिल जाए, कोई आपके संत जान परिचित के हो उनका मिल जाए, या फिर कोई भजन करने वाले व्यक्ति हो उनका मिल जाए, यदि आपके घर के जो बड़े हैं वो भजनानंदी हैं, कोई भजन करते हैं, उनके अच्छी शक्ति तो उनका ले लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, ये उपाय आपको गुरुवार वाले दिन करना है। कोई भी वस्त्र हो कमर से नीचे का नहीं होना चाहिए, कमर से ऊपर का वस्त्र होना चाहिए। वो वस्त्र आप ले लीजिए, चौरस काट लीजिए, चौतरफा ऐसा थोड़ा सा वस्त्र मिल जाए बस। उसका आप करना कि एक गोलक लेनी है, गुल्लक लेनी है आपको, और गुल्लक में नई गोलक लेके आइए। पहली बार जब आप उसमें कोई सिक्का डालें गोलक में, तो जो आपने कपड़ा लिया था, जो संत का हो, गुरु महाराज का हो, यदि आपके घर में ही कोई बड़े बुजुर्ग दादी हो, जो आपकी खूब भजनानंदी हो, जो भी घर का बड़ा बुजुर्ग हो, उनका भी आप कपड़ा ले सकते हैं। उनके कपड़े में उस एक का सिक्का डालें, या पांच का, या दस का, कोई भी सिक्का या नोट डालें, उस कपड़े में आपको रैप कर देना है, उसको सिक्का हो नोट को रैप करके, और उस गुल्लक में आपको डाल देना है। गुल्लक में डालने के बाद जो गुल्लक होगी, उस गुल्लक को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी वो आपके घर में वहां रख दें, यदि आप अलमारी में पैसा रखते हो तो वहां रख दें, जहां कहीं भी आप अपना धन रखते हो वहां पर जाकर रख दीजिए। वो जो वस्त्र आपने उन जो भी जिनकी भी एनर्जी है, वो जिनका भी ऑरा है, जिन संत महात्माओं का, आपके बड़े बुजुर्गों की उसमें एनर्जी ताकत है, उसकी इतनी दिव्य एनर्जी होगी, उसके प्रभाव से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इतना भजन किया है। और जो भजनानंदी होते हैं उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, जो आपको आशीर्वाद देते हैं एक बार जाओ खुश रहो ये हो जाएगा, तो वो हो जाता है। तो उनका जब जो वस्त्र जो उन्होंने अपने शरीर में धारण कर रखा, उसी शरीर से उन्होंने भजन किया है, उसकी कितनी एनर्जी उस वस्त्र में होगी, उस वस्त्र के प्रभाव से आप देखिएगा आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी।
तो निश्चित ही आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस प्रयोग को अवश्य करिए, बिल्कुल करिए, सभी लोग करिए, बहुत उत्तम रहेगा। यदि आपके कोई गुरु है उनका मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा यदि और ये प्रयोग आपको गुरुवार वाले दिन करना है, इसके अलावा यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, निसंकोच आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, क्योंकि आप अकेले नहीं है। आपको दुख मेरा दुख है, जब तक मैं हूं मैं आपको दुख ही नहीं रहने दूंगा, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपको मेरा आत्मीय संबंध है, प्रेम का संबंध है। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।